बिहार में अपराधियों का राज हो गया है। शनिवार को 10 से 15 अपराधियों ने समस्तीपुर के सीपीआईएम के जिला कार्यालय पर हमला बोल दिया। हमले का विरोध करने पर विधायक अजय कुमार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। विधायक को बचाने में उसके अंगरक्षक जख्मी हो गए, वहीं अपराधियों ने उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। अब सवाल यह है कि जब बिहार में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क। हाँ, हमारी जेके न्यूज़ नेटवर्क को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हॉर्न दे रहा था लेकिन हम एक दो बार छोड़ के केयर नहीं किया अपना, तो फिर लगातार लंबा हॉर्न दिया तो देखे नीचे ऊपर से ही देखे, फिर तो बोलोरो गाड़ी था दोनों, तो मतलब धक्का भी मारा गेट में सब इधर देख, तो बोले कि क्या मतलब यहाँ पर क्या कर रहा था। इसके बाद जो है सो ऊपर देखा, पता है कौन है रे माधव से, ऊपर से मतलब गाड़ी उड़ी देने लगा। इसके बाद में जो है सो कहीं फ़ोन किया, फ़ोन किया तो हम मतलब हॉल में से मतलब आ ही रहे थे, तब तक सब जो है सो ताला मतलब तोड़ के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। पहुंचा तो मतलब हम वहां से उस पर हस्तक्षेप किए कि इसके बाद में जो है सो हमको पकड़ लिया, 5-7 आदमी वहाँ पहुँच गए हमला। उसके बाद में जो है हमको घीच करके नीचे ले आया, नीचे ला करके यहाँ पर जो है सो मतलब पिस्टल छीनने का कोशिश किया, जोर से पिस्टल छीनने का कोशिश किया और मतलब पूरा पूरा ईटा से जो है सो माथा पर मार रहा था, पिस्टल भी घीच रहा था लेकिन पिस्टल नहीं घिंचाने दिए। बहुत कोशिश किया उस सब, फिर घीच करके हमको वहाँ रोड पर ले गया। उसके बाद में जो है सो फिर एक आदमी बोला कि भागो भागो, कोक कर दिए, पिस्टल कोक कर दिए। इसके बाद में जो है सो सब भागना शुरू किया और सब उतरे थे, इसके बाद सब भाग दिया। अपाची वो गाड़ी था वो छोड़ दिया है। सब उन लोगों के पास हथियार भी थे, हथियार उन लोगों के पास में मतलब हम तो हथियार नहीं थे, देखे नहीं, हो भी सकता है। जब गेट तोड़ करके ऊपर जब हमला करने लोग कितने की संख्या में थे? 12 से 15। तो विधायक जी पर भी हमला किया होगा? उन्हीं के ऊपर तो हमला मतलब करने का प्रयास किया, लेकिन हम तो फर्स्ट फ्लोर पर जो है सीढ़ी पर उसके ऊपर जो है सो मतलब अटैक किए, हस्तक्षेप किए उसने, तो वजह से जो है सो हमी को पकड़ करके घीच करके नीचे ले आया। उसके बाद गाड़ी इधर सब शीशा उसका फोड़ फाड़ किया। मामला है जो है ना, हम पार्टी ऑफिस से डेरा जाते हैं, लेकिन संजोग से रात में खाना खाने के बाद हम ऑफिस से डेरा गए नहीं, के बाद यहीं रुक जाते हैं। और 10:30-11 के बीच में जो है ना, 2 4-चक्के की गाड़ी, 3-4 मोटरसाइकिल से अपराधी सब आया और गेट के नज़दीक गाली गलौज शुरू किया। हल्ला जोर से जब हुआ था, हम बेड पर चले गए थे, तो वहाँ से उठ करके हम बोला कौन है, कोई दारू वारू पी कर गया है? तो हम जैसे ही आए तो पत्थर जो है ना, पत्थर फेंका और पिस्टल हम हाथ में देखे, तो हम पीछे तेज़ी से भागे और गार्ड को हम उसको आगे किए और हम ऊपर चले गए। और उसके बाद वो लोग गेट जो है ना तोड़ दिया, गेट तोड़ करके हमारी गाड़ी को क्षति किया। वो लोग सीढ़ी पर पोजीशन हमारा गार्ड लिया, वहाँ पर गार्ड के साथ उसको बहुत नोक झोंक हुई है, उसमें घायल हो गया हमारा गार्ड अनिल राम। और वो हम समझते हैं वो घायल हो करके उसने हमको बचा दिया। मेरा मानना है कि पिछले 2 मई को भी मेरे ऊपर हमला हुआ था और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। और जो अपराधी थे वो भागते भागते, उसका मोटरसाइकिल एक छूट गया है और उसका एक वीडियो भी जो है ना, एक मजदूर यहाँ कारपेंटर काम कर रहा था पार्टी ऑफिस में, वो डर गया था, डर करके सबसे ऊपरी मंजिल पर चला गया था और वहाँ से वो वीडियो बनाया, जो वीडियो का सीडी में वीडियो हमने मोबाइल से हमने नगर थाना को दिया है और उसके आधार पर एक अपराधी को रात में पुलिस पकड़ी है। और हम समझते हैं कि ये षड्यंत्र था, रास्ते यहाँ पार्टी ऑफिस और रास्ते के बीच में शायद मेरा मानना है कि बैरिकेड किया होगा। तो क्या वजह है बार बार आपके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला हो? ये तो अपराधी बताएगा, मेरा तो किसी से ज़्यादा बत नहीं है। राजनीतिक काम के बाद तो दूसरा मेरा कोई काम नहीं है।
पॉलिटिक्स में लगातार आपराधिक वारदात समस्तीपुर में हो रहे हैं, पार्टी कार्यालय किसी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर हमला हो, क्या क्या कहना चाहिए प्रशासन? नहीं, वो हमला पार्टी कार्यालय पर तो है, लेकिन वो हमला वास्तविक तौर पर अगर देखिए तो मेरे ऊपर था। अगर हम पार्टी ऑफिस से निकल के डेरा की तरफ जाते तो रास्ते में ही रात में शायद पूरी बात खत्म मेरी हो जाती, नहीं निकले वो अंत में यहाँ पर आके ऑफिस पर किया। एक सेकेंड, वो इसलिए हम कह रहे हैं मेरे ऊपर पिन पॉइंटेड हमला है। पार्टी ऑफिस में दो गाड़ी लगी हुई है, लेकिन सिर्फ मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी से मैं चलता हूँ, उस गाड़ी को उसने क्षतिग्रस्त किया, उसकी सभी शीशे को तोड़ दिया, एक महीना भी गाड़ी को लिया हुआ नहीं हुआ है। सर क्या कहा जाए, जनप्रतिनिधि पर हमला है तो इसमें आम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल पुलिस फेल्योर है, पुलिस की नाकामी है। 2 मई को घटना घटी है और वो कोई अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाए, और नहीं पकड़ेगी तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा नहीं। उसमें भी मैं कहा किसी का हाथ इसमें होगा, ये भाड़े के होंगे, और रात में भी जो थे वो सब भाड़े के टट्टू होंगे, किसी ने इसको यूज़ किया, वहाँ तक पुलिस पहुँचना नहीं चाहती है। हमारी पार्टी बैठेगी नहीं, हमारी पार्टी कुर्बानी देना जानती है और कुर्बानी देगी, लेकिन संघर्ष करेगी, अपराधियों के खिलाफ लड़ेगी। एक महीने में 3-4 हत्या हुई है और महिला से दुष्कर्म किया गया है, टोटली फेल है, पुलिस टोटली फेल है।